नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं नितिन शर्मा, हम मौजूद हैं अलवर की कृषि उपज मंडी में। आज हम यहाँ कृषि उपज मंडी में जो आने वाली जो सरसों की जो आवक जो जोरों पे हो रही है, उसका आज हम यहाँ पर जो भाव लेने के लिए पहुंचे हैं कि किस तरह का यहाँ भाव है, किस तरह यहाँ सरसों आ रही है, यहाँ से सरसों कहाँ जाती है, कौन कौन सी मिलों में जा रही है, कहाँ तेल तैयार हो रहा है। तो हमारे साथ में यहाँ जो सरसों के जो व्यापारी हैं रामोतार जी, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आज मंडी में कितनी सरसों आई है, क्या भाव है और आगे क्या भाव रहने वाले हैं, पिछले क्या भाव थे, आज उसी के लिए हम यह मंडी में मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? रामता गुप्ता जी। आज मंडी में कितनी सरसों की आवक है? क्या मंडी नहीं, आज आम समझ लो 30 से 24 हजार बोली कट्टे कट्टे हैं। पूरा पूरा देश भर में लगाई जाए आम 15.5 लाख कट्टे की आवक है पूरे देश भर में। मतलब पहले शनिवार को थी 13.5 हजार के आसपास और आज है 15.5 लाख कट्टे की आवक पूरे देश भर में। क्या भाव? भाव हमारे मंडी मान लो 5100 भाव है 42 हजार पे मशीन की 6 और नीचे में जो माल बिक रहा है जिला माल बिक रहा है 4500 4600 4700 जो मतलब परसों जो शनिवार से बिकी थी हमारे 52.5 सौ 150 का मंदा है। अच्छा। और जो मंदा भी इसलिए आया है कारण ये है कि जो अपने सेमिनार हुई थी हमारे हमारे मंडी हमारे पूरे इंडिया पूरे इंडिया के बारे में सेमिनार हुई थी। उस चक्कर में आंकड़े वो आए थे 1,23,000 टन तो यहाँ की है नई वाली और पुरानी थी 12 लाख टोटल मिले होगी 137 लाख टन। तो अभी किस तरह की क्वालिटी है सर? ना क्वालिटी तो इस टाइम बढ़िया रही, क्वालिटी तो बढ़िया आ रही लेकिन कुल मिला के ये है कि अब थोड़ा आज और प्रेशर है सब्जी सब मंडियों में प्रेशर आमद का और भाव भी शनिवार को बाजार से 150 मंडे है आज का भाव मान लो 5100 बयालीस लाख का भाव और शनिवार को भाव थे 52.5 सौ। मंडी में कहाँ कहाँ से सरसों आ रही? मंडी के आसपास चीज तो आती है जैसे मालखेड़ा है अपने राजगढ़ साइड की पिनाण है अपने रामगढ़ है जो आसपास के एरिया है इन सब से आती है। ये हमारे साथ में मौजूद थे व्यापारी रामोतार जी, इन्होंने बताया कि आसपास से यहाँ सरसों खेतों से किसान लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं, भाव भी ठीक ठाक मिल रहे हैं लेकिन कुछ उतार चढ़ाव जो सरसों के इस फसल में देखा जा रहा है। अब हमारे साथ में यहाँ पर जो मिलर हैं वो भी मौजूद है, वो बताएंगे कि यहाँ सरसों मंडी में वो भी आज यहाँ आए हैं सरसों लेने के लिए, किस तरह वो सरसों ले रहे हैं, क्या भाव में ले रहे हैं और किस भाव में आगे के लिए वो सरसों जा रही है। सर क्या नाम है आपका? धर्मपाल गुप्ता, SR एग्रो इंडस्ट्रीज। सर बताइए, आज आप मंडी में सरसों लेने आए हैं, क्या भाव है? आज दरअसल क्या है कि शनिवार को तेल मिल सेमिनार थी उसमें 123 लाख टन सरसों नई और 12 लाख टन पुरानी कुल मिला के 135 लाख टन के आंकड़े आ गए। उससे आज बाजारों में 100 रुपए का मंदा है, तेलों में भी मंदा है, खड़ों में भी मंदा है। परसों तेल सरसों के भाव थे 5200 रुपए, आज सरसों के भाव 5100 रुपए। तो उस हिसाब से सरसों 5100 रुपए 42 कंडीशन सूखे माल बिक रहे हैं तो नमदार माल है वो 4400 4700 जैसी नम है उस हिसाब से बिक रहे हैं। क्वालिटी साल बहुत अच्छी है। तो आज कितनी सरसों ली है आपने? आज हमारे 700-800 कट्टे करीब हो चुके अभी तक। अच्छा। हाँ, फिर आपके यहाँ से तेल कहाँ कहाँ जा रहा है? हमारा तेल तो मोस्टली अलवरी बिक जाता है, मतलब मैं पर्सनल तो अडानी मिल बार में ही तेल बेचता हूँ सारा। ये कुछ थोड़ा बहुत अपना प्रोडक्शन है, अलवर गोल्ड के नाम से मेरा तेल चलता है मार्केट में। क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी साल तेल की मस्टर्ड ऑयल की बहुत अच्छी है, बहुत बेस्ट क्वालिटी का ऑयल निकल रहा है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का तेल बन रहा है। जी हमारे साथ में मिलर थे, उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी क्वालिटी की सरसों उनको मिल रही है, अच्छा तेल निकल रहा है, अच्छा जो है उनका उत्पादन भी अच्छा हो रहा है तेल का और मार्केट में भी उनका अच्छा जो है तेल बिक रहा है। अब हम यह बात करने के लिए मौजूद थे मंडी के अंदर, हमने हम आपको बताया कि मंडी के भाव जो है लगातार उतार चढ़ाव जो है वो देखा जा रहा है। नितिन शर्मा, अलवर।